नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रातानाड़ा ओल्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे जैन धर्म के चल रहे परियोषण के अंतर्गत कविता श्री श्रीमाल नीतू श्री श्रीमाल ने दिव्य तपस्वी परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय हंस रत्न सुरेश्वर महाराज प्रवचन प्रभावक पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय तत्वदर्शन सुरेश्वर महाराज की प्रेरणा से सिर्फ गुनगुना जल पीकर 36 दिन का उपवास व 8 दिन व्यासना के सिद्धि तप 45 दिन का किया। पोखराज श्री श्रीमाल ने बताया कि कविता नीतू ने 36 दिन का उपवास गुनगुने जल पीकर किया, जिसका मंगलवार को उपवास का विधि विधान से पालना किया गया। इस शुभ अवसर पर महिला मंडल द्वारा सामूहिक गीत गायन का कार्यक्रम रखा, जिसमें मोहिनी देवी श्री श्रीमाल लीला बोहरा संगीता पारक सारिका संकलेचा इत्यादि ने गीत गाकर क्षेत्र को गुंजायमान किया। श्री श्रीमाल ने बताया कि इस शुभ अवसर पर जितेश कुमार दिनेश कुमार सोहनलाल श्री श्रीमाल बाबूलाल श्री श्रीमाल सेवा भावी सत्यनारायण बोहरा के साथ परिवारजन व क्षेत्रवासियों ने कविता श्री श्रीमाल नीतू श्री श्रीमाल दोनों को माला पहनाकर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। हमने सिद्धि तप किया है। गुरुदेव श्री हंस रतन जी और तत्व दर्शन की निश्रा हुए, इसमें 45 डेज लगते हैं, 36 उपवास आते हैं, 8 व्यास में आठ व्यास में आते हैं। कैसे कैसे होते हैं इसमें एक उपवास के बाद दो एक व्यास एक तपस्वी परम पूज्य आचार्य देव श्रीमान विजय रत्न सुधी जी मारा था प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय तत्व दर्शन सूरी जी मरासा की निश्रय में आप दोनों ने तपस्या की है सिद्धि तप की। और सिद्धि तप की तपस्या के अंदर प्रथम दिन उपवास, द्वितीय दिन बेल, फिर 16 ऐसे